kids, a very good morning to all of you. Myself Anshika, your class teacher. So beta, take out your maths book, Bouncy Bears Maths, okay, and open page number 5. इसमें बेटा हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे far and near. Far means कोई चीज़ आपसे बहुत दूर होती है तो उसे far बोलते हैं, और कोई चीज़ आपके पास होती है तो उसे near बोलते हैं. Like आप यहाँ पे देखो, ये जो dog है ये हम आपके पास है या आपसे दूर है? ये हमारे पास है ना, और जो स्मॉल सा डॉगी दिख रहा है वो हमसे दूर है. सो दिस इज नियर, पास की चीज़ों को नियर बोलते हैं. एंड दिस इज फार, जो चीज़ें दूर होती हैं, छोटी दिखाई देती हैं, वो फार होती हैं. ओके बेटा, सो स्पीक विद मी, नियर फार, नियर फार, नियर फार. ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आप आ गए. इसमें क्या करना है? टिक द वन विच इज़ फार एंड क्रॉस आउट द वन विच इज़ नियर. इसमें आपको देखना है, पहले पहचाना है कि एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन हमारे पास है और कौन सा हमसे दूर है. मींस कौन सा एरोप्लेन हमसे नियर है और कौन सा फार है. ओके, सो लुक बेटा, ये तो बिग बिग एरोप्लेन दिख रही है ना, दैट मीन कि ये नियर है. ये क्या है? नियर. एंड दिस इज स्मॉल एरोप्लेन, दैट मीन कि वो हमसे दूर चली गई है, दैट इज फार. ओके, सो इट इज नियर, इट इज नियर, इट इज नियर एंड इट इज फार. तो जो नियर है उसमें आपको क्या करना है? क्रॉस कर देना है. ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है. और जो फार है उसको आपको टिक कर देना है. क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. व्हाट इज दिस बेटा? फुल एंड एम्प्टी. यहाँ पे आप देखो ऊपर लिखा है फुल एंड एम्प्टी. फुल मीन्स आपको पता ही होगा, फुल मीन्स भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स खाली. तो ये जो गर्ल के हैंड में बास्केट है ये फुल है. ओके, इसमें देखिए इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं अंदर, तो ये क्या है? फुल है. और जो बॉय के हैंड में है वो एम्प्टी है, क्योंकि इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है. सो हम इसको कैसे रीड करेंगे? रीड करेंगे फुल एम्प्टी, फुल एम्प्टी, फुल एम्प्टी. ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. अब आपको इसमें क्या करना है? सर्कल द आइटम्स दैट आर फुल, क्रॉस द आइटम्स दैट आर एम्प्टी. जो आइटम्स फुल हैं, ठीक है, ढेर सारे हैं, उनको सर्कल करना है, और जो एम्प्टी हैं, खाली हैं, जिसमें कोई सामान नहीं है, उसको क्रॉस कर देना है. फुल वालों को हमें सर्कल करना है. तो आप सबसे पहले देखो, ये ग्लास में जूस है, ये फुल है ना, तो इसको हमने सर्कल कर दिया. ये वेजिटेबल्स हैं सैक में, ये भी ढेर सारी भरी हुई है, ये सैक पूरा भरा हुआ है, तो ये फुल है. ये देखो बुक्स शेल्फ में बुक्स रखी हुई हैं, तो ये भी फुल है, तो हमने सर्कल कर दिया. और जो फुल नहीं है, जो एम्प्टी हैं, ये आप देखो ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया. ये बिन आप देखो, ये भी एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया. ये टब आप देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया. सो आपको ऐसे ही पेंसिल से अपनी बुक में फिल करना है. जो आइटम्स फुल होंगे उन पे सर्कल करना है, जो एम्प्टी होंगे उनको क्रॉस कर देना है. ओके बेटा, सो डू योर वर्क एंड सेंड मी होमवर्क. नाउ बाय बाय.